हेलो फ्रेंड्स, दीप मोहित किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको रेस्टोरेंट स्टाइल मखानी दाल बनाना सिखाऊंगी, जो कि बहुत ही रिच और क्रीमी होती है। चलिए सबसे पहले हम दाल को उबाल लेते हैं। मखानी दाल बनाने के लिए हमें राजमा और साबुत उड़द की दाल चाहिए होती है। वैसे कुछ लोग साबुत उड़द की दाल के संग चने की दाल भी मिला के बनाते हैं, लेकिन राजमा के संग ही उसका स्वाद ज़्यादा आता है। ये मैंने 2 कप दाल ले ली है और 1.5 मुट्ठी राजमा ले लिया है। इसको मैंने रात भर सोख करके और अच्छी तरीके से धो लिए हैं। अब मैं इसे कुकर में डालूँगी। अब मैंने इसे कुकर में डाल लिया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा नमक डालूँगी और पानी हम 2 कप के करीब डाल देंगे इसमें। और इसको हम थोड़ा सा चला देंगे। अब हम इसको पहले 1 पिसल हम तेज आंच पे लेंगे और उसके बाद धीमे आंच करके 4 से 5 पिसल हम इसको। अब हमारी दाल उबल गई है। अब मैं पहले इसके लिए तड़का तैयार कर लेती हूँ, जब तक उसकी बिसल निकलती है। तड़के के लिए हम देसी घी लेंगे। 2 बड़े चम्मच मैंने देसी घी ले लिया है, क्योंकि ये दाल मखानी है तो इसलिए ये रिच भी होगी, तो इसलिए हमें देसी घी का इस्तेमाल किया। अब जब तक ये तड़कती है, थोड़ा गर्म होती है। अभी हमारा घी गर्म हो गया। अब इसमें हम थोड़ा सा हींग डालेंगे, 2 चम्मच शाहजीरा। और मैंने ये प्याज, 2 बड़े प्याज फाइनली चॉप किए हैं, जो बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने छोटे छोटे काट रखे हैं। इसको मैं अच्छे तरीके से ब्राउन कर लूँगी। हमारा प्याज थोड़ा थोड़ा ब्राउन हो रहा है। अब मैं इसमें हरी मिर्च, जो मैंने 2 पतली पतली काट ली। प्याज हमारा जब तक ब्राउन नहीं हो जाता, तब तक मुझे इसको चलाते रहना है। थोड़ा सा और ट्रांसपेरेंट कलर आ जाएगा तो हमें 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है, ताकि ये भी ब्राउन होते होते ये भी अच्छे तरीके से इसमें पक जाए। हमारा प्याज ब्राउन हो गया है। अब मैं इसमें 2 टमाटर की प्यूरी मैंने बनाई थी वो डाल देती हूँ और अच्छी तरीके से फ्राई कर लूँगी। अब मैं इसमें अपने मसाले डाल देती हूँ। इसमें नमक, मैंने नमक थोड़ा सा उबालते हुए भी दाल में डाला था, तो मैं थोड़ा नमक डालूँगी, थोड़ा लाल मिर्च का पाउडर। गरम मसाला पाउडर इन सबको हम अच्छे से देखिए इसका कितना सुंदर कलर आया है तड़के को। अब हमारा तड़का तैयार हो गया है। अब मैं अपनी दाल को देख लेती हूँ। दाल हमारी पक गई है, देखिए। अब मैं इसे तड़के में डालूंगी। अब मैंने दाल को तड़के में डाल दिया। अब हम इसको अच्छे तरीके से मिला लेंगे। दाल हमारी थोड़ी गाढ़ी है, आपको अगर गाढ़ी दाल पसंद हो तो आप इसको इसमें और जो भी सामान ऐड करना है वो ऐड कर सकते हैं। मैं थोड़ा पतला करूँगी इसे, वैसे भी इसे थोड़ा सा पतला ही करना चाहिए। इसमें मैं थोड़े फुल क्रीम, थोड़ा सा दूध डालूंगी, क्योंकि ये मखानी दाल है तो इसे रिच तो होना ही है, इसमें क्रीम भी पड़ेगी हमारी। और मेरा 1/2 गिलास दूध इसमें पड़ गया। दूध को मैंने थोड़ा गुनगुना ही इस्तेमाल किया है। अब हम इसमें तड़का लगाएंगे तड़के के लिए। अब मैंने तड़का इसमें मुझे ऊपर से लगाना है, जिसके लिए मैंने ये मखानी दाल है तो मैंने ये थोड़ा सा बटर माइक्रोवेव में पिघला लिया था। हमें दाल में ऊपर से तड़का लगाऊंगी, जिसमें मैंने मक्खन लगाएंगे। क्योंकि ये मखानी दाल है तो इसमें मक्खन हमें डालना ज़रूरी है। इसमें मैं थोड़ा सा लाल मिर्च और थोड़ा सा गर्म मसाला, इसे हम ऊपर से इस दाल को तड़क देंगे।
अब हम ऊपर से इसमें क्रीम डालेंगे। इसको अच्छे तरीके से मिला लेंगे। देखिए इसका कलर कितना सुंदर आया है। थोड़ा सा हरा धनिया, अब हमारी दाल तैयार हो गई है। अब मैं इसे एक सर्विंग बोल में निकालूंगी। अब हम इसमें थोड़ी सी ऊपर से क्रीम गार्निश कर देंगे। क्रीम की जगह आप घर की मलाई भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा हरा धनिया, लीजिए तैयार है हमारी मखानी दाल रेस्टोरेंट स्टाइल। और ये बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही खाने में बहुत ही रिच और क्रीमी बहुत होती है। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। थैंक यू।